नमस्कार, आ गया है आपका होस्ट है दोस्त राहुल भोज और स्वागत है आपका फीफा फूज में। बिग बॉस बोले तो फीफा फूज। आप सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं दोस्तों, राखी सावंत की ये दिलचस्प बात जो कि चैलेंजर बनकर बिग बॉस के घर में जा रही हैं। अब राखी तो होटल में क्वारंटाइन में है, राइट? हमने इंटरव्यू भी लिया था, आपने देख ही लिया होगा, लेकिन ये बड़ा उन्होंने जो है अपना खुलासा करके बताया कि मैं क्यों जा रही हूं बिग बॉस के घर में। देखो भाई, सबके अपने अपने प्रेरोगेटिव्स हैं, सबके अपने अपने एस्पेक्ट्स हैं, सब जो है अपनी अपनी सोच के साथ जा रहे हैं। विकास गुप्ता ने स्टेज पे सबके सामने बोल दिया था कि मैं जो है पैसों के लिए जा रहा हूं। अब दोस्तों राखी सावंत ने भी अपने रीसेंट इंटरव्यू में एक बड़ी बात कही है। सबसे पहले तो वो कहती हैं कि फ्रेंकली स्पीकिंग मैं जो है इस वक्त बैंकक्रप्ट हो चुकी हूं, यानी कि मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है। वो ये भी कहती हैं कि फ्रेंकली स्पीकिंग आई एम इन नीड ऑफ मनी, मुझे पैसे की जरूरत है। आई नीड अ सेकंड चांस टू कम टू बॉलीवुड अगेन, मुझे एक दूसरा मौका चाहिए बॉलीवुड में आने का। वैसे आपको बता दूं तो राखी सावंत की किस्मत तब से ज्यादा चमकने लग गई थी जब वो बिग बॉस सीजन 1 में आई थी, अगर आपको याद होगा तो। इवेंचुअली वो स्टार्स के फिर एक डिक्लाइन पीरियड आता है, फिर उसके बाद वो अप होते हैं, तो ये इस तरीके से मूव करती है इंडस्ट्री। राखी यहां पर ये भी कहती है कि आई वॉन्ट टू विन द ट्रॉफी एंड आई ऑलवेज वॉन्टेड टू विन अ शो बट इट हैज नेवर हैपेंड इन माई करियर। मैं हमेशा ट्रॉफी जीतना चाहती हूं, मैं हमेशा शो जीतना चाहती हूं, बट मेरी लाइफ में ऐसा कछु नहीं हुआ, यानी कि कुछ नहीं हुआ। फिर वो ये भी कहती हैं, दिस टाइम आई वॉन्ट टू विन बिग बॉस 14, द प्राइज मनी ऑफ बिग बॉस इज वेरी ह्यूज, ₹50 lakhs एंड आई वॉन्ट टू विन द कैश प्राइज एज आई वॉन्ट मनी। मैं इस बार जो है बिग बॉस जीतना चाहती हूं, क्यों? क्योंकि इसकी जो अमाउंट है, जो पैसा है इसमें, वो 50 लाख है, जो कि बहुत ज्यादा है मेरे लिए, और इसी वजह से मुझे पैसा चाहिए एंड मुझे कैश प्राइज भी चाहिए। सो राखी सावंत ने तो दोस्तों कर दिया बड़ा खुलासा कि क्यों बिग बॉस के घर में वो जाने वाली है। बापरे, इतना ज्यादा हाइप्ड बना दिया ना राखी सावंत को, मतलब कि अगर देखा जाए तो जब से वो आई थी, जब से उन्होंने राहुल के साथ वो थोड़ा सा स्टेज में मस्ती मटर गस्ती करी थी, उसके बाद फिर राखी राखी राखी, कहीं ऐसा ना हो जाए कि बिग बॉस के घर के अंदर वो जाए और फिर उसके बाद फिर से राखी 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 सामने आ जाए, राइट? अब देखते हैं कि राखी जी क्या कॉन्टेंट देती है घर के अंदर और किस तरीके से लोगों को अपनी उंगलियों पर नचाती है। वेल, आपको क्या है कहना है इस बात को लेकर कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए फीफा फूज, क्योंकि बिग बॉस बोले तो फीफा फूज।